ताजा अपडेट एक बार अपने सहयोगी ऋतु से लेते हैं। ऋतु, क्या है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त आंकड़ों के खेल में? बिल्कुल जब्बार, आपने सही कहा कि चूहे बिल्ली का खेल फिलहाल यहां पर चल रहा है। जो शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है आमने सामने है और इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला जो है वो चल रहा है, लेकिन लगातार जो बढ़त है वो आम आदमी पार्टी बनाए हुए है। और ताजा आंकड़े आपको बता दें कि 54 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं रुझानों में जिस तरह से फिलहाल लगातार बदलते जा रहे हैं वो 54 में आम आदमी पार्टी है। और इसके साथ ही अगर बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी 16 पर और कांग्रेस लगातार एक सीट पर यहां पर रुक गई है, अटक गई है। यहां पर कह सकते हैं कि शायद इससे ज्यादा ख्वाहिश यहां पर कांग्रेस की नहीं हो रही होगी, यही रही होगी कि कम से कम एक सीट पर तो वह आ जाए। और फिलहाल यही स्थिति कि एक सीट पर कांग्रेस बनी हुई है, लेकिन अगर बदलाव की बात यहां पर देखी जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो है वो बदलाव दिख रहा है, टक्कर यहां पर दिख रही है। हालांकि टक्कर जो जोरदार यहां पर दी गई है वो आम आदमी पार्टी के जरिए बीजेपी को दी है। इसके साथ ही कुछ और अपडेट्स यहां पर अगर हम दे दें, अगर सीटों की बात कर ले, जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जो वीआईपी सीटें हैं उनका यहां पर जिक्र कर लिया जाए तो वो सीटें भी कांटे की टक्कर साबित हो रही है। जैसे कि अगर मॉडल टाउन की यहां पर बात करें, कुछ समय पहले कपिल मिश्रा जो कि पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, बगावत हुई और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए, जो कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे बीजेपी में आखिर इन्हें शामिल होना ही है। तो फिलहाल अब वो आगे चल रहे हैं, 100 कहा जा रहा है कि 100 वोटों से फिलहाल वो आगे चल रहे हैं, जो कि एक घंटे पहले पीछे चल रहे थे। यानी कि टक्कर का मुकाबला फिलहाल मॉडल टाउन में यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही ओखला की बात करें तो आपके अमानतुल्ला खान प्रत्याशी जो है आम आदमी पार्टी के, वो पहले आगे चल रहे थे लेकिन अब पीछे चल रहे हैं। यानी कि जो समीकरण दिख रहे हैं, जो ये काउंटिंग का जो हम लगातार ये आंकड़ा दिखा रहे हैं वो बार बार बदल रहा है। इसके साथ ही पड़पड़गंज सीट की बात करें, पहले से ही चुनावी ताल जो ठोक चुके हैं मनीष सिसोदिया, वो लगातार यहां से आगे चल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो या फिर बीजेपी के, दोनों को कड़ी टक्कर यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे आगे मनीष सिसोदिया यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मॉडल टाउन का जिक्र किया, अब नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है वो आगे चल रहे हैं। यानी कि सबको पीछे छोड़कर, पार्टियों को तो पीछे छोड़ा ही, अपने साथी जो प्रत्याशी हैं उनको भी पीछे छोड़कर लगातार वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही राजेंद्र नगर की बात करें, राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी फिलहाल वहां से आगे चल रहे हैं। चांदनी चौक का जिक्र करें तो अलका लांबा जो आपसे प्रत्याशी थी लेकिन फिर वो कांग्रेस में शामिल हुई और इस जोश के साथ शामिल हुई कि शायद जो चांदनी चौक की जनता अलका लांबा को प्यार देती है वो शायद इन चुनावों में भी दे, लेकिन फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी है प्रहलाद सिंह साहनी वो फिलहाल आगे चल रहे हैं और अलका लांबा लगातार पीछे चल रही है। इसके साथ ही कालकाजी का जिक्र करें, कालकाजी सीट से आतिशी मार्लिना सांसद के लिए भी उन्होंने चुनाव यहां पर सीट ली थी, प्रत्याशी बनी थी, लेकिन उस दौरान भी उनके हाथों में निराशा ही लगी, लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं निराशा मिलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अपनी सीट से कालकाजी सीट से वो फिलहाल पीछे चल रही है। इसके साथ ही गांधीनगर से बात कर ले, अरविंद सिंह लवली ये भी लोकसभा चुनावों में खड़े हुए थे दिल्ली की सीट से, लेकिन उस दौरान भी निराशा और इस बार भी निराशा ही यहां पर कह सकते हैं जो बार हाथ लगती हुई दिख रही है। तो यानी कि लगातार जो सीटें हैं हाई प्रोफाइल सीटें हैं, कुछ सीटों में तो देख सकते हैं कि टक्कर का मुकाबला है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी जहां आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी सीट को पक्का करते हुए दिखाई दे रही है। और इसलिए जो फिलहाल आंकड़ा दिख रहा है लगातार अपने दर्शकों को जब दिखा रहे हैं उसके मुताबिक 54 में आम आदमी पार्टी, 16 में बीजेपी और एक पर लगातार अपनी यहां पर कब्जा जमाए हुए कांग्रेस बनी हुई है।